अगर तू अदहम खान के बारे में एक लफ्ज भी केहू से कहलू तो एकर सजा बेगम जोधा के भुगते के होखी। कहे कि हम का कर सकीले, ई तोहरे समझ के हैसियत से परे बा। यहाँ तो हर मुंह खुलल और वहाँ बेगम जोधा के मुश्किल के रास्ता खुल गई। रानी साह, जन्म लेते ही बच्चा दौड़े ना लागेला, पहले पेट के बल घिसेला, फिर घुटना के बल चलेला, अपन पैर पे खड़ा होके के प्रयास में कई बार गिरेला भी, तब जाके कहीं दौड़े प्रारंभ करेला। शहंशाह और जोधा के संबंध उनके विवाह के समय घुटना पे चले प्रारंभ कैलस, अब उ संबंध आगरा में अपन घुटना पे खड़े होके के प्रयास में बा। बादशाह सलामत मोती बाई के दीवाने खास में पेश होके खातिर कहले बाड़न। आप जाए मोती के हमले के आवतानी। माफ करी बेगम साहिबा, शहनशाह के हुक्म की मोती बाई के साथ लेके आई, हमने के इनके ले जाए के होखी। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शहनशाह हिंद, आलम पना, आला हजरत, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़े। हमार हरम में कोनो गैर मर्द के दाखिल होल कानून के खिलाफ बाई बात तू अच्छा तरह से जाने लू। ओकरा बावजूद तोरा पीछे केहू हरम में आए, ये सत्य है। खत में साफ साफ लिखल बा कि मरे वाला तोरा बुलैले पे वहां आयल हा। हम चाहत आनी कि दीवाने खास में सबके सामने ओ खत के पढ़ के सुनावल जाए। प्रिय मोती, हमरा क्षमा कर द मोती, तोरा से अंतिम बार मिल ना पौनी। पकड़ा जाए तो मृत्यु दंड मिलल निश्चित बा, और यहाँ से बच के निकलल असंभव। यही से विष खा रहल बानी, जेकरा से कि केहू तोहरा पे संदेह ना करे। अब हम तो के पहला और आखिरी मौका देता नहीं अपन सफाई में कुछ कहे खातिर। हम बस इतने कहे चाहता नहीं कि हम वो व्यक्ति के ना जानी ले। पत्र में वो हमार नाम कहे लिखलस, हम यो भी ना जानी ले, हम केहू के भी हर में ना बोले। खुद के बेगुनाह कह के तू बेगुनाह साबित ना हो खेलू। आपन बेगुनाह ही साबित करे के कोनो सबूत बात और पास? ना तो सजा सुने खातिर तैयार हो जा। यदि आपकी अनुमति होगी तो हम मोती बाई से कुछ कहे चाहब शहंशाह। मोती,
ई बात केवल तुहार प्राण के ना, ई बात हमनी के जीवन के भी बा। यदि तोहके कुछ भी हो गए तो हम अपना आप के जीवन में कभी क्षमा ना कर पाई। मोती, तू हमार दासी ना, हमार सखी बाड़ू। तुहार जीवन के रक्षा हमार उत्तरदायित्व है। बोला, का छिपा रहल बाड़ू तू हमसे? तुमके आपन जोधा के सौगंध है। बोला, बोला। हम रउआ के सत्य बतावे चाहता नहीं शहंशाह। वो दिन हरम में हमरा पीछे केहू आइल अवश्य रहे, पर वो ना जे रसोई घर में पढ़ा पावल गए। जौन कहे के बाद साफ साफ कहा, बतावा के आइल रहे हरम में तहरा पीछे? अधम खान आइल रहले हमरा पीछे। का तू जाना तारू तू केकरा पे उंगली उठावा तारू? जी ये सत्य है। अगर हरम में आवे वाला आदमी आदम खान रहे तो तू हमके काहे कल ही ना बताइयो, और तोहरा अलावा केहू और ओकरा काहे ना देखस? आप जाइए और अभी जलाल के सब कुछ बता दी, लेकिन ओके बाद का होगी। हम जलाल के जितना जाने ले मोती बाई से एक भी सवाल ना करिए, लेकिन आप में सवाल के बौछार होके और आपसे पूछल जाई कि अगर आप इतना कुछ जानत रहनी तो पहले ही अधम खान के नाम काहे ना लेहल गई? हरम आपके निगहबानी में आवेला, सब कुछ जानत बूझत अधम खान के रोकल काहे ना गई? बड़म्मी, हम अधम खान से कुछ सवालात करे चाहता नहीं, ओकरा फौरन दीवाने खास में हाजिर होके के हुक्म देहल जाए। गुस्ताखी माफ होके शहंशाह, अधम खानी वक्त आगरा में नाबा। ओ दो दिन पहले ही आगरा छोड़ चुकल बाड़े। आप ही अधम के मथुरा के बगावत के दबावे के हुकुम फरमान कर ले रहने। तोहरा खातिर काम बा हमरा पास। हमके पता चलल बा कि मथुरा में केहू हमरे रियाया के सता रहल बा। तू जा पता लगावा कि वो के हा जे मुगल सल्तनत के वसूल के तोड़ता। शहंशाह, अगर अधम कल हरम में रहले तो आज मथुरा में ना हो सकले, और ये बात के तस्दीक करल जा सकले सबसे तेज घुड़सवार के अभी यही वक्त मथुरा भेज देता नहीं। घुड़सवार कल शाम तक वापस आ जाए और हमने के पता भी चल जाए कि अधम खान मथुरा में बा कि ना, यानी कि अधम खान गुनहगार बा कि ना। और अगर अधम खान गुनहगार भइले तो हम सबके सामने ये बात के दावा करता नहीं शहंशाह कि आपके फैसला सुनावे से पहले ही हम महामंगा अपन बेटा के सर कलम कर दे। लेकिन अगर अधम खान मथुरा में मौजूद रह ले तो ये बात साबित हो जाए कि बेगम जोधा की बांदी। हमके बदनाम करे खातिर झूठ बोल रहा दिया। बेशक फौरन एक से सवार के अधम खान के तस्दीक खातिर मथुरा भेजल जाए। हमी बात के फैसला कल सुनाई, तब तक मोती बाई के तहखाना में रह के पड़ी। दीवाने खास बर्खास्त।
माहम जानत रानी की अधम खान के जलाल मथुरा जाए के हुक्म देले रहे। उही बात के फायदा उठा के महामंगा हादसा के रात अधम खान के मथुरा जाए खातिर रवाना कर देनी। सियासी मुआमलात में हम दखल ना दे सकेनी जोधा, हमके भी यकीन बा कि मोतीबाई बेकसूर हा, पर अब कल तक घुड़सवार के आवे के इंतजार करे के ही होगी। अभी तक सारा सबूत मोती के खिलाफ है। एकर मतलब यदि केहू के पास अपन निर्दोष होके के साक्षी ना होके तो ओके यहाँ दोषी मान लेहल जाला अम्मी जान? ना, लेकिन जेकरा खिलाफ सबूत मौजूद बा ओके गुनहगार जरूर मान लेहल जाला। हम तोहार दर्द समझ सके नी जोधा, और मुगल सल्तनत के उसूल के खिलाफ जाए के हक ई सल्तनत हमके भी ना देले। एकर अर्थ बा निर्दोष होके भी मोती के दंड मिल जाए? ना, हमके पूरा भरोसा बा जलाल पूरा तहकीकात कैला के बाद ही कुछ फैसला लेई। हम मोती से मिले चाहत बानी। नजर बंद कैदी से मिले की इजाजत जलाल के अलावा सिर्फ हमके और वजीरे आलिया महामंगा के बा। हम ई मामला में भी तुहार कौनो मदद न कर सकेनी। हमार यकीन करी जोधा, जलाल अपन उसूल के बहुत पक्का हा। अगर मोतीबाई बेकसूर हा तो जलाल होके कुछ ना होके दे। मुगल सल्तनत के वसूल बाकी भले ही 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह के सजा ना मिले के चाहिए, और खासकर जब मामला औरत के होके तो हम खुद तस्दीक करेली। अब भी वक्त बा तारा पासी सच बतावे के कि अगर अधम खान पर लगाई गई तहार इंजाम अगर गलत साबित भेल तो ओकर अंजाम तहार मौत हो। एक खातिर कल फैसला सुनावे से पहले हम तोरा एगो और मौका देता है। अगर तू झूठ बोलले बाड़ू तो ओकरा कबूल करला, हम तहरा के कम से कम सजा दे। दंड के भय ना बा हमके शहंशाह, भय बस ई बात के बा कहीं रउआ के हाथ से अन्याय ना हो जाए। हमार हमदर्दी के हमार कमजोरी मत समझिया गुस्ताख लड़की। अगर कल अधम खान पर लगाए गए तहार इल्जाम गलत साबित भइल तो कल तहार जिंदगी के आखिरी दिन हो। बादशाह सलामत के इकबाल बुलंद होके आपके हुक्म के तामिल कर लेल गइल बा। सुबेदार आदम खान साहब यह वक्त मथुरा में मौजूद बाड़न और आपके हुक्म के मुताबिक बगावत कुचले में मशरूफ बाड़न। वहाँ के कुछ जमींदार यह बात के तस्दीक के लिए बाड़न। फौरन सबके दीवाने खास में हाजिर होके के हुक्म दा। खबर मिलल बा कि अधम खान मथुरा में ही बा, जेकरा हम भेजले रहनी। एकर मतलब ई कि कल रात यहाँ रहे ही। इसे ही साबित होत बा कि मरे वाले के तालुकात मोतीबाई के साथ रहे और उनकर लगायल बड़ी अम्मी और अधम खान पे इंजाम गलत हा। ई खातिर इनके सजा दिहल जाए। और इनका सजा भाई इनके आज ही जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। पत्थर के लकीर होके ले शहंशाह के फैसला,
और केहू भी फैसला के बदल ना सकेला। ये ऐलान के खुद शहंशाह के अलावा केहू वापस ना ले सकत। माफ करिया जोधा, शहंशाह हिंद के माँ होखला के बावजूद भी हम जलाल के ये फैसला में दखल ना दे सकब। होशियार, शहंशाह हिंद, आलम पनाह, आला हजरत, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़े। मुगल सल्तनत के वसूल बाकी मरे वाले से होकर आखिरी ख्वाहिश पूछल जाए, तहार आखिरी ख्वाहिश काबा। रउआ जे कुछ भी दे सकत रहले वो सब कुछ रउआ दे देले शहंशाह। अब कुछ शेष ना। जौन सवाल हम तोरा से पूछले बानी वो हमार काम नहीं है। तो हमार बेगम के साथे होकर मायके से आयल बाड़ू, तोरा मेहमान समझ के हम तोरा से खुद ही सवाल पूछे आयल बानी। और अगर तोहर कोनो आखिरी ख्वाहिश नहीं है तो हम तोरा मजबूर ना कर। हमके क्षमा कर दिया जोधा, हम अपन कर्तव्य अधूरा छोड़ के जा रहल बानी। यहाँ आयल रहनी राउ साथ देवे और बीच में ही छोड़ के जा रहल बानी। बड़ा अन्याय हो रहल बा मोती के साथ। और सबसे बड़ा दुख ई बा कि हम कुछ ना कर पा रहल बानी। बेगम जोधा, आप शहंशाह हिंद के बेगम बानी, आपके ए तरह एक मामूली बांदी खातिर दर दर जाके खैरात मांगब आपके रसूख के खिलाफ बा। और वैसे भी जकरा सामने आप वो मामूली से बांदी के जिंदगी के भीख मांग रहल बानी वो कुछ ना करी है। हाँ, ये हो सकेला कि हम आपके कुछ मदद कर पाई। बेगम जोधा, मर जाई बहुत आसान बा, लेकिन हर वक्त मौत के अपना आसपास महसूस करब बर्दाश्त के बाहर हो जाला। जे वक्त दीवार अपन कद धीरे धीरे ऊंचा करी, वैसे वैसे मोती बाई पे मौत के साया छा जाई। दीवार में चुनवाई के बाद कौनो जरूरी ना बाकी फौरन मौत आ जाए। हो सकेला सबसे पहले ओके घुटन महसूस हो, ओकरे बाद ओके सांस फूली, हो सकेला ओके प्यास लगे, लेकिन चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ये कहल तो मुश्किल बा कि मोतीबाई घुटन से मरी कि प्यास से या फिर घबराहट से। लेकिन एक बात के हमके यकीन बा बेगम जोधा, मोतीबाई मरी जरूर। कतरा कतरा आहिस्ता आहिस्ता जहर बा। मोती बाई खातिर दीवार में चुनवावे से पहले मोती बाई से आखिरी ख्वाहिश पूछल जाए। और जितना हम जाने लेंगे मोती बाई के आखिरी ख्वाहिशों की आपसे रूबरू हो खब, वही वक्त जहरों के पिला दी। बेगम जोधा, एक तरह से घुट घुट के दम तोड़े से अच्छा बा इस जहर खाके एक ही झटका में दुनिया से कूच कर जाए।
आपके खास बांधी भी आऊ आपके खातिर और ओकरे खातिर तो हम इतना तक कर ही सके नहीं। आप काहे ऐसन कर रहल बानी, काहे हमके इतना पीड़ा दे रहल बानी आप। दुनिया में दो तरह के लोग हो खेले बेगम जोधा। पहला वो जो चींटी के देख के भी ओके जाय देवेले, बिना ये सोचले कि चींटी पलट के उनके काट भी सकेले। और दूसरा वो हो खेले जी चींटी के देखते ही मसल के मार देवेले, ताकि अगर चींटी के छोड़ जाए तो वो नाक में घुस के नाक में दम कर देवेले। ई महामंगा वो दूसरे लोगन में से भी आ हमार रास्ता जे काटे के कोशिश करेले, हम उनका जिंदगी के डोर काट देवेनी। ई बात अगर आप भी ता उम्र याद रखी हैं, तो आपके खातिर भी बेहतर होगी बेगम जोधा। आज मोती के दीवार में चुनवावल जा रहा बा, वो भी आपके भांति हमरे साथ यहाँ आए रहे, हमार सुरक्षा करे। जब बाकी दासी यहाँ पे आवे खातिर तैयार ना रहनी, तब मोती हमार साथ दे ले रहे। कान्हा, आज आपके हमार पुकार सुने होकी, हमके कौनो मार्ग दिखावे होकी, वरना जीवन भर हम अपन मुंह ना देख पाई, कौनो राह दिखाई कान्हा, कौनो मार्ग बताई। हमके फरमान में लिख के दे दी ना नई बेगम साहिबा, हमके ढेर सारा खिलौना चाहिए और पंछी भी चाहिए और ढेर सारा मिठाई। ये फरमान शहंशाह के बतावे के बा, अब बेगम बानी ना तक खाने खाना खातिर ए फरमान लिख दे। हुक्म शहंशाह के, मुहर मुगल सल्तनत के, आज शतरंज के खेल जे भी फतह करी ओकरा शहंशाह जिंदगी में कभी भी कौनो भी चीज मांगे के हक दे ताड़े। धन्यवाद कान्हा, बालक के रूप में आके आप हमके मोती के मुक्ति के मार्ग दिखा देला। अब मोती हम तोहके कुछ ना होके दे। काबुल में मिर्जा हकीम के मनमानी बगावत के हद तक बढ़ गई बा। काबुल सल्तनत के सरहद, गांधार के महफूज रखल, सल्तनत के हिफाजत ओकर रसूख खातिर अहम बा। हमके ओकरा ही तरह से संभाले के बाकी केहू के वहां के खबर ना पड़े कि वहां कौवा कोनो तकलीफ आइल रहे। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, एह वक्त केहू के भी अंदर जाए के इजाजत नहीं थे। आप रोक सकेले तो रोक ली। हम के आपसे बात करे के बाद शहंशाह, आप मोती बाई के दीवार में चुनवा ना सकेले। तक लिया। तहार कोनो भी तस्दीक पे हम पे कोनो असर ना पड़ी, हमार जबान से निकलल अल्फाज हम वापस ना ले मिली। सही कहले आप, दीहल वचन से पीछे हटब शहंशाह के शोभा देवेला भी।
आप हमके लिख के वचन देले बाड़ा। एक बार जे हम मांगब आप दी हैं। हमके मोती बाई के जीवन चाहिए। फरमाइनिया शहंशाह के जबान से बहुत कुछ होना हो खेला। देख ना सकेंगे पर अनुभव कर सकेंगे कि रउआ यही जही बाड़े का ना हमार जोधा के ध्यान रखिया। रुको, ये दीवार हटा दा। शहंशाह के हुक्म बा हुजूर। उनके हुक्म से मोती बाई के रिहा कर जाता। तोड़ दा दीवार। कहले रहनी ना तो कि कुछ ना होके दे। खबर पुख्ता बा, हम खुद अपन आंख से मोती बाई के बेगम जोधा के साथ तहखाने से बाहर आवत देखनी हा। आप बहुत बड़ा गुनाह कैले बानी बेगम जोधा। शहंशाह दीवाने खास में सल्तनत के काम में मशरूफ रहले। दरबान आपके रोके के कोशिश भी कैलस, लेकिन बावजूद ओकरा आप बेपर्दा सबके सामने आ गई। शहंशाह फरमान ठुकरा देले रहले, ओकरे बावजूद आप ये मामूली बांदी के आजाद करा के ले आईनी। जानेनी का होखे वाला बा आपके साथ? सर कलम हो सकेला आपके। हमरे यहाँ सर कटावे से डरे लेना महामंगा, बल्कि एक तो सम्मान के बात मानल जाला। और रहल बात शहंशाह के आदेश पत्र के, तो उनके फरमान से बड़ा उनकर वचन हो खेला जे हमके मिलल बा। और हाँ,
हम आपके आपके डिब्बी लौटा रहल बानी, कहे कि मोती की तो एक आवश्यकता ना बा। अब चाहे तो केहू और की सहायता कर सके नहीं ऐसे। पर एक बात याद रखिया, आदेश पत्र के आवश्यकता दासन के होखेले, रानी लोग के ना। बहुत गुरूर बाप के बेगम होखे के, जानेली इहां हरम में कितना बेगम बानी। आपके पास ना तो बेगम रुकैया जैसन शहंशाह से बचपन के दोस्ती के नजराना बा, ना ही बिनाज बेगम जैसन खूबसूरती के खजाना, और ना ही नसीमा बेगम जैसन फनकार बानी आप में। देखे ले कब तक शहंशाह के बेगम बनल रहनी आप। बेगम बने के हमके कोनो चाहत ना, हमके मोती के चिंता रहे, अभी सुरक्षित बिया, हमके और कुछ ना चाहिए। जानेली बेगम जोधा, आप में कशीश काबा, शहंशाह अब तक आपके पा ना सकले। नया कपड़ा के रंग तब तक नया रहेला जब तक ओके पहनल ना जाए, एक बार पहन लेला पुराना हो गई। मर्दन के फितरत भी ऐसने हो खेला, हर चीज के बड़ी शिद्दत से चाहे ले, पर जब वो चीज मिल जाले ओकरे बाद शिद्दत कहीं और चल जाले। एक बार शहंशाह आपके पाले, उकरे बाद आप भी वो पुराना जोड़ा बन जाई हैं, और हमनी के शहंशाह खातिर नया जोड़ा बन के आ जाई, तब आई हैं आप ई महामंगा के पास। वो वक्त हम आपके हरम में आपके असली चेहरा दिखाई। एक स्त्री हो के स्त्रियन के बारे में ऐसन विचार रखे नी, तब पुरुषन से का आशा करल जा सकेला। ई हरम के स्त्री एक दूसरा के मान ना करे नी, आदर ना करे नी, जे आपन मान ना रख सके नी, तब पुरुष उनकर सम्मान कैसे करी है। गुरूर, कितना गुरूर बा ए वक्त आपके चेहरा पे। चंद साल के बाद जब ई चेहरा के नूर ढल जाई, तब ई गुरूर हम एही चेहरा पे देखे चाहब। रुखसार, ये लाहौर के कारीगरी के जोड़ा तोहरा खातिर। देखा, सोने के तार से मोती जड़ल बाई में, और नाजमा तोरा खातिर गहना। देखी तो कितना खूबसूरत बा, तोपे बहुत अच्छा लगी। और हिना, ई जड़ाऊ गहना तोरा खातिर, देखी तो बेहतरीन लग रहल बा। अरे हाँ बेगम फरजाना, हमके खबर मिलल बा कि तू हमार बांदियन से तमेज से ना पेश आवेलू। बेगम साहिबा, याद रखिया, ये सारी बांदी मल्लिकाए खास के बांदी बानी। बेगम साहिबा, चुप, आइंदा ऐसन गलती दोहरावे के कोशिश भी मत करिया। बेगम साहिबा, एको खास खबर बा। बोला, बेगम शहंशाह के फरमान के साथ। अगर वो चाहती तो ये फरमान से अपन सारा अरमान पूरा कर सकत रहनी, पूरा कायनात ओकरा कदम में आ सकत रहे। पर वो सुनहरा मौका के फायदा ना उठेलस।
पिछला बार जब शहनशाह हमके फरमान दे ले रहले, ता हम शहनशाह के 100 दिन और 100 रात मंगले रहनी उनसे, और शहनशाह खुशी खुशी दे दे ले रहले हमके। पूरा 100 दिन शहनशाह हमके खुश करे में लागल रहले। गुस्ताखी माफ बेगमी खास, पर ऐसन कह के ऊ जतला देहलस कि ऊ सबसे अलग बिया। कौनो तो खास बात बा ऊ में, जे शहनशाह के फरमान भी ओकरा खातिर मायने न रखेला। तुमके अब भी खौफ होगी ओकर, पर हमके कौनो खौफ ना हा, और ना ही ओकर बेवकूफी भरल बात सुने के वक्त बा हमरे पास। हमरा खातिर ई हरम से ज्यादा कुछ भी अहमियत ना रखेला। शहंशाह के इकबाल बुलंद होके बेगम नादिरा बाद में, अबे हमार जंगे रियाज के वक्त था। के मालूम न रहे कि शतरंज के मोहरन के अलावा आपके शमशीर भी चलावे आवेला। योद्धा खातिर शतरंज के साथ साथ तलवार के भी समझ आवश्यक है। दरबार में बैठ के शतरंज खेलर और जंगे मैदान में शमशीर चलावल दोनों अलग बात है। बात दरबार में हो खेनी शहंशाह, युद्ध में वार पे ध्यान दी। जंग में नजर झुकल बेवकूफी होकेला, लेकिन मौका चुकल उससे बड़ बेवकूफी। हमार सर चाहे लीना, आप मौका रहे आपके पास, आप हमार फरमान से हमार सर मांग सकत रहे। इतना बेहतरीन मौका एगो बांधी की वजह से गवा देनी आप, अगर चाहती तो हमरा से कुछ भी मांग सकत रहनी।
हमार सर अपन आजादी हरम के शान दुनिया भर के ऐशो आराम कुछ हो भी।